राजकोट से बनारे पंडित श्री चेतन भाई जी का यहाँ पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। जो भी भाई बहन इधर उधर हों उनसे हमारा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वे प्रवचन मंडप में पधारकर हमारे चेतन जी का मार्मिक प्रवचन सुनेंगे, और जो लोग खड़े हैं वे अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए, प्रारंभ होता है चेतन भाई जी का प्रवचन। नमो लोये श्रोत्रिकाणवर्ती अर्हंताणम्, नमो लोये श्रोत्रिकाणवर्ती शीतानम्, नमो लोये श्रोत्रिकाणवर्ती आयरियाणम्, नमो लोये श्रोत्रिकाणवर्ती उज्जयनम्, नमो लोये श्रोत्रिकाणवर्ती शिवशाणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रदानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समय शाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। एगो मे शाश्वतो अपा ज्ञान दर्शन लखनऊ, शेषा में बाहिरा बाबा सर्वे संयोग लखना। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बदा संयोग लक्षण भाव मुझे बाह्य छे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक नायक भाव छे, ए रीत शुद्ध कथाई न जे ज्ञात के होते छे। ओम श्री नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अपनी जो ये 41वीं शिविर यहाँ प्रारंभ हुई है, उसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग चैप्टर, अलग अलग शास्त्र और अलग अलग गाथाओं के ऊपर प्रवचन चल रहे हैं। बहुत दो दिनों से मार्मिक चर्चाएं चल रही है। ऐसे भी विषय होते हैं जो अपन ने सुने भी नहीं हो कभी, ऐसे भी विषय अपने को सुनने को यहाँ शिविरों में मिले जाते हैं। ऐसी को ये महिमावंत शिविर यहाँ चल रही है, इसमें मुझे जो विषय दिया गया है वो समयसार परमागम की छठी गाथा अपने को यहाँ प्रारंभ करनी है। समयसार परमागम जो है, कुंकुल आचार्य भगवान ने ये समयसार परमागम अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध होने के लिए ये परमागम की रचना की गई है। जो अनादि का अप्रतिबुद्ध जीव है, जिसकी पर्याय में मोहरा द्वेष बहिर्लक्ष से चल रहे हैं, ऐसा परिणाम वाला जो जीव है उसको त्वरित में समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट कैसे हो जाए, उसकी पूरी विधि यहाँ पे कुंकुल आचार्य देव ने इस समयसार परमागम में भर दी है। आचार्य कुंकुल देव सब लोगों को अपने को पता है, यहाँ से सदैव महाविदेह क्षेत्र गए थे, वहाँ केवली श्रुत केवली केवली के पास वाणी सुनी, श्रुत प्रेवी से चर्चा भी की, आठ दिन वहाँ रह के वो पूरी सिमंदर परमात्मा की जो देशना थी वो यहाँ भरत क्षेत्र में लाकर उसको
पंच परमागम ने पूरी प्रस्तुत कर दी, पूरी माने की ढोल दी। ऐसा कोई कि कुनकुन आचार्य देव के पांचों परमागम है, प्रवचन सार है, सम्यक ज्ञान प्रधान शास्त्र है, समयसार परमागम जो है वो दृष्टि प्रधान शास्त्र है, और नियमसार परमागम जो है वो दृष्टिपूर्वक चारित्र प्रधान शास्त्र है। नियमसार परमागम कुंदकुद आचार्य देव ने अपनी विशेष वृद्धि के लिए लिखा है, अपने खुद के लिए लिखा है, अपनी संयम रूप चारित्र की अवस्था जो है वो यथाख्यात चारित्र रूप कैसे हो जाए और परिपूर्ण वितरागता प्रकट होके केवल ज्ञान उदित हो जाए, उसके लिए कुंकुद आचार्य देव ने नियमसार की रचना की। ये समयसार परमागम जो दृष्टि प्रदान ग्रंथ है उसमें कुंकुद आचार्य देव ने पूरी दृष्टि के विषय की छनावट मूल की है, साथ साथ में ज्ञान कराने के लिए सभी विषय आ जाते हैं। समयसार परमागम जो है वो परिपूर्ण ग्रंथ है, केवल ज्ञान तक की बातें समयसार परमागम में भरी हुई है। ऐसा कोई अलौकिक परमागम ये अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए कुंकुद आचार्य देव ने लिख दिया। ऐसी कोई अपने लोगों के भाग्य थे तो 2000 साल पहले तो कुंकुद आचार्य देव ने शास्त्र लिख दिया, मगर उसकी विस्तृति विस्तार यानी टीका ही नहीं हुई। गाथाएं लिख के तो कुंकुद आचार्य चले गए, मगर 1000 साल के बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव का उदय हुआ, और वो अमृतचंद्र आचार्य देव ने अमृतमय टीका की रचना कर दी। अमृत किसे कहा जाता है कि जो कभी मरे भी नहीं और जो किसी को मारे नहीं और सबको जिंदा है, उसको जिंदा है ऐसा भान करा दे, उसको अमृत बोला जाता है। ऐसी अमृतमय टीका अमृत चंद्र आचार्य देव ने 1000 साल के बाद में ये समयसार प्रवचन सार और पंचास्ती कार्य के ऊपर कर दी। ऐसी जो कोई उपलब्धि निविद रूप से अपने पास आ गई, ऐसी टीका अमृतचंद्र आचार्य देव ने की, कुंकुद आचार्य देव हुए 2000 साल पहले, 1000 साल के बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका कर दी, मगर 1000 साल तक उसका स्पष्टीकरण करने वाला कोई जीव नहीं निकला। बहुत से साधक हो गए, बहुत सी रचनाएं ग्रंथों की भी हो गई, सम्यक दृष्टि भी बहुत हो गए, पंचम गुण स्थानवर्ती भी बहुत हो गए, नहीं हुए ऐसा नहीं है, मगर ये कुंकुद आचार्य के जो परमागम थे उसका जो स्पष्टीकरण, माने कि समझो कि अपने धर्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से ही निकलने वाला होगा, तो 2000 साल के बाद में पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में समयसार परमागम आया। वो समयसार परमागम हाथ में आते ही उसके हृदयोद्गार निकल पड़े कि अशरीरी होने का ये शास्त्र है, शरीर रहित होना हो तो ये निमित्त रूप से ये समय सार में पूरा प्रकरण भरा हुआ है। समय सार दो जगह पे है,
एक समयसार निमित्त रूप से शास्त्र है और एक समयसार अपना शुद्धात्मा है। अपने शुद्धात्मा को बताने वाला ग्रंथ उसको निमित्त रूप से समयसार बोला जाता है। ऐसा कोई अलौकिक स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से 45 साल तक निकला। समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, अष्टपाउल, पंचास्तिकाएं, पंच परमागम तो है ही, उसके अलावा भी टोटल 163 ग्रंथ का पूज्य गुरुदेव श्री ने खुद स्वाध्याय किया और 37-38 ग्रंथ पे तो उसने जाहिर में स्वाध्याय किया, मगर उसको सबसे मान कि प्रयोजनभूत शास्त्र लगा हो तो एक समयसार लगा। माने कि दूसरा शास्त्र अप्रयोजनभूत है ऐसा नहीं कहना चाहता हूं मैं। शास्त्र सब प्रयोजनभूत होते हैं। आचार्य भगवान तीन कसाय के अभाव के धनी प्रचुर स्वसंवेदन के धारक, ऐसे जो आचार्य और मुनिराज होते हैं उसकी वाणी या उसका ग्रंथ, उसमें जो भी लिखा जाता है, जो भी उसके श्रीमुख से निकलता है वो अनुभूति की बूंद बूंद है। इसलिए उसमें कोई अप्रयोजन भूत वाली बात नहीं होती। मगर पूज्य गुरुदेव श्री को ऐसा लगा कि ये समयसार परमागम में अप्रतिबुद्ध जीव, अनादि का अप्रतिबुद्ध है, अनादि का अज्ञानी है, जिसको अपनी पर्याय में शुद्धात्मा की सुगंध अभी तक नहीं आई, वो कैसे उसकी प्राप्ति उसको हो जाए, ऐसी रचना समयसार में भरी हुई है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने 19 बार वो शास्त्र का स्वाध्याय सभा में किया। 19-19 बार शास्त्र में सभा में शास्त्र का स्वाध्याय किया पूज्य गुरुदेव श्री ने। और कोई भी बार का आप प्रवचन सुन लो, अभी अपने पास 13वीं बार, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19 बार का तो अपने पास उपलब्ध है। कोई भी बार का आप प्रवचन, कोई भी गाथा का निकाल के सुन लो, आपको सभी बार का प्रवचन में एक सरखा न्याय मिलेगा आपको। यही होती है ज्ञानी की पहचान। उसकी बात कभी फिरती नहीं। क्यों फिरती नहीं? कि शुद्धात्मा का आश्रय फिरता नहीं उसका, इसलिए उसकी बात नहीं फिरती। जो बात अनुभूति से चली आती होती है वो बात में कभी फर्क नहीं होता। इसलिए कुछ गुरुदेव श्री को जब ये समयसार मिला, उसके बाद में उसको स्वसंवेदन रूप से अनुभूति हुई, इसलिए उसको ऐसा लगता था कि मुझे ये शास्त्र के निमित्त पने से अनुभूति हुई तो सभी जीव को ये शास्त्र के निमित्त पने से अनुभूति हो सकती है। पंचम काल में एक जीव को अनुभूति होवे तो उसका मतलब है कि सभी जीव को अनुभूति हो सकती है, क्योंकि जीव है तो जीव का श्रद्धान कोई भी जीव को कभी भी हो सकता है। ऐसी बात समयसार में भरी पूरी है। ऐसी समयसार परमागम की महिमा है। कुनकुंद आचार्य देव, अमृत चंद्र आचार्य देव, पूज्य गुरुदेव श्री, जो जो ज्ञानी पुरुष हो गए, जितने जितने अपने पास अभी भी ग्रंथ उपलब्ध है, जिसके जिसके भी, वो सभी ज्ञानी पुरुषों ने समयसार की महिमा गाई है। इसलिए ये समयसार परमागम जो है वो कल्प वृक्ष और कामधेनु है, और सभी समयसार के पेज पर सभी जीवों का नाम लिखा हुआ है। जो समयसार खोलता है उसको उसमें उसका नाम मिलता है, क्योंकि समयसार में पूरी शुद्धात्मा की चर्चा है, अपने जीव तत्व की चर्चा है, जीव द्रव्य की भी चर्चा आती है और जीव तत्व की भी चर्चा आती है। जीव द्रव्य प्रमाण का विषय है,
जीव तत्व शुद्धने का विषय, दृष्टि का विषय है। ऐसी कोई अलौकिक परमागम की धारा जो कुनकुन आचार्य द्वारा बहने लगी बही, वो समय सार जी परमागम की छठवीं गाथा, माने कि वास्तव में तो सर्वप्रथम गाथा है वो। कुछ गुरुदेव श्री फरमाते हैं कई बार कि ये समय सार की प्रथम गाथा है, प्रथम गाथा है। समय सार की जो पहली गाथा है उसमें तो श्रोता के श्रोता में और अपने में सिद्धों की स्थापना करके आचार्य भगवान ने गाथा पहली से शुरू किया है, और दूसरी गाथा में सात बोल से पदार्थ की सिद्धि की चर्चा की है। दूसरी गाथा बहुत प्रयोजनभूत है। दूसरी गाथा जो है वहाँ सात बोल से जो सिद्धि की, माने कि जीव पदार्थ की सिद्धि है। एक जीव पदार्थ होता है और एक उसमें छुपा हुआ जीव तत्व होता है। तो अपने अपन पहले से थोड़ा ले लेते हैं एक से पांच गाथा का प्रकरण, फिर छठी गाथा शुरू करेंगे, क्योंकि प्रकरण ऐसा होता है छठी गाथा तो पूरी दृष्टि के विषय की गाथा है। दृष्टि का विषय और ज्ञान दोनों उसके साथ में एक गाथा में आ गया है। 415 गाथा का सार छठवीं गाथा में भरा हुआ है। ध्येय का विषय भी है, ज्ञेय का विषय भी है, और ध्येय पूर्वक ज्ञेय का विषय भी छठी गाथा में माने की भरा हुआ है। तो ये जो दूसरी गाथा है समय सार परमागम की, उसमें समयसार परमागम की दूसरी गाथा में सात बोल से पदार्थ की सिद्धि की है। वो सात बोल से जो पदार्थ की सिद्धि की है वो सामान्य प्रमाण है। वो सामान्य प्रमाण में कहीं मोराग द्वेष नहीं आता। उत्पाद भी द्रुवयुक्तम सत्य बोला, गुण पर्याय व द्रव्यम बोला, चेतना स्वरूप बोला, ज्ञान एकाकार अनेकाकार होने पर भी एक रूप है ऐसा बोला। माने कि जो सात बोल से जो सिद्धि की वो सामान्य प्रमाण की सिद्धि है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की सिद्धि है। वो एक ही समय में जानना और उसी समय में परिणमना, ऐसी द्रोह क्रियाएं एक साथ में चलती है। ऐसा एक जो प्रमाण का विषय पदार्थ की सिद्धि करके दूसरी गाथा में बताया, बाद में उसमें स्वसमय और परसमय का भेद डाला है। स्वसमय और परसमय सामान्य प्रमाण में से निकलते हैं। उत्पाद वे द्रुवयुक्तम सत है, गुण पर्याय व द्रव्यम है, वो अनेकाकार रूप एकपना है, वो सब सामान्य प्रमाण की सिद्धि है। और सामान्य प्रमाण में से आगम प्रमाण और अध्यात्म प्रमाण निकलता है। आगम प्रमाण किसे बोलते हैं कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, तो द्रव्य का नाम निश्चय और जो अपनी पर्याय में मोराग द्वेष की पर्याय विभाव रूप चल रही है उसको, दोनों को साथ में देखना, उसका नाम आगम प्रमाण है। उसको वहां पर समय जिसको बोला गया वो आगम प्रमाण में जाता है वो। और जो अध्यात्म प्रमाण होता है वो अपना त्रिकाली द्रव्य और त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से जो परिणमने वाला परिणाम है उसको अध्यात्म प्रमाण, दोनों को मिलके बोला जाता है, उसको स्वसमय वहां बोला गया है। तो ये स्वसमय और परसमय प्रति समय में नया 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 होता है। और जो उत्पाद ये द्रव्युक्तम सत है वो तो अनादि अनंत है, प्रथम से है और अनंत काल तक रहता है। सिद्ध में भी उत्पाद वे द्रुव्युक्तम सत्य है, निगोदिया जीव में भी है, बाकी के बीच में जितने गुणस्थान की परिपाटी चलती है सब में जीव का स्वरूप उत्पाद वे द्रुव्युक्तम सत्य वाला सामान्य प्रमाण है। और वही समय सामान्य प्रमाण में से स्वसमय या परसमय हो जाता है। ऐसी जो बात दूसरी गाथा में सात बोल से दूसरी गाथा बताकर बाद में तीसरी गाथा में एकत्व निश्चय की बात की कि
माने कि एक द्रव्य और दूसरा द्रव्य, एक द्रव्य माने अपना द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय वाला, और दूसरा द्रव्य भी द्रव्य गुण पर्याय वाला। तो अपनी पर्याय अपना द्रव्य अपने गुण पर्याय को चुंबती है। कुछ गुरुदेव श्री ने सबसे पहले जो परिवर्तन किया, तब सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा तीसरी गाथा चलती थी। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। जब तक ये बात नहीं बैठती, तब तक सुधने का विषय जीव को नहीं बैठेगा। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का करता है, ऐसा जिसको भ्रमणा अनादि से चलती है, वो भ्रमणा निकालने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री ने तीसरी गाथा बार 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 लेते रहते थे। 19वीं बार में भी तीसरी गाथा को कोटेशन बहुत बार आया है। क्यों? कि जीव पर द्रव्य को अपना ही मानता रहता है, और पर द्रव्य से अपने में कुछ फेरफार हो जाएगा, वो मान्यता अनादि से जीव की चलती है। वो मान्यता छुड़ाने के लिए आचार्य भगवान ने तीसरी गाथा लिखी। तेरा परिणाम का धनी तू है, तेरा गुण पर्याय व द्रव्यम तेरा स्वरूप है, जितना विकार होता है वो तेरी ही भूल से हो रहा है, तू दोष दूसरे को मत दे। द्रव्य तेरा, गुण तेरा, तो परिणाम भी तेरा, कर्म का कुछ नहीं है उसमें। ऐसा बता के दो द्रव्य की भिन्नता तीसरी गाथा में सिद्ध करके एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में एकत्व निश्चय बताया। द्रव्य गुण पर्याय को एकत्व निश्चय करके बता दिया। बाद में चौथी गाथा में तो पंच परावर्तन की चर्चा है, काम भोग बंधन की कथा। तो अनंत बार अनादि से जीव करता 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 आया है, मगर एकत्व की कथा है, पर से जुदा एकत्वपना, उसकी बात उसने कभी सुनी नहीं। वो चौथी गाथा कह के बाद में पांचवी गाथा में माने कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन स्यादवाद का, और परापर गुरु का उपदेश सर्वज्ञ और गणधर का, और स्वसंवेदन से, ये चार बात कहके आचार्य भगवान ने कहा कि तू तेरा स्वसंवेदन से तेरा आत्मा का प्रमाण करना, और मैं दर्शाऊंगा एकत्व विभक्त की बात में दर्शाऊंगा, मैं दर्शाऊंगा और तू दर्शाऊंगा तो मान मत लेना, स्वसंवेदन से प्रमाण करना। तो आज मैं सच्चा कहूंगा, कल कोई झूठा कहेगा तो तू वो भी हा हा करेगा। आज्ञा प्रधानी मत बनना, परीक्षा प्रधानी बन के प्रमाण करना, स्वसंवेदन के स्वसंवेदन करके प्रमाण करना, अनुभूति से प्रमाण करना। अनुभूति से ही सब चीज प्रमाण होती है। अनुभूति बिना की कोई चीज प्रमाण नहीं होती है। अनुभूति जब तक नहीं होवे, तब तक विकल्पात्मक दशा में भी श्रद्धान और ज्ञान होता है, मगर उसको सचमुच में वास्तविक नहीं बोला जाता। इसलिए आचार्य भगवान बार बार कहते हैं कि स्वसंवेदन से प्रमाण करना। वो बात करके फिर शिष्य ने प्रश्न उठाया है, ये पांच गाथा आचार्य भगवान ने लिख ली, बाद में शिष्य के मुख में प्रश्न रखा, माने कि शिष्य ने प्रश्न उठाया है? कि आप तो दर्शाने वाले थे एकत्व विभक्त आत्मा की बात, तो आपने तो कही ही नहीं, तो अभी उसको दर्शा दो, अभी वो बात कह दो। फिर शिष्य प्रश्न करता है, देखो शिष्य भी कैसा लिया है, शिष्य ने क्या पूछा है, को असो सुधात मोहि दिचेत, ये शिष्य का प्रश्न है। ऐसा सुधात्मा कौन है कि जिसको जानना चाहिए, उसने ये प्रश्न नहीं पूछा कि छह द्रव्य स्वरूप लोक कैसा है, आठ कर्म की स्थिति क्या है, नव तत्व का स्वरूप क्या है, उपादान निमित्त का स्वरूप क्या है, निश्चय व्यवहार का स्वरूप क्या है, ये कुछ नहीं पूछा शिष्य ने। शिष्य ने ऐसा प्रश्न पूछा,
कि कोसो सुधा पैती चेत। पूज्य गुरुदेव श्री ने मलाड़ में आखिरी आखिरी में ये छठवीं गाथा ली थी, तो ये कोसो सुधा पैती चेत के ऊपर ही उसका प्रवचन चलते रहते थे। बार 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 पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख में यही बात आती रहती थी कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसको जानना चाहिए, कौन ऐसा शुद्धात्मा है, कैसा है वो शुद्धात्मा कि उसका स्वरूप जानना चाहिए, कि उसका स्वरूप जानने से, उसकी अनुभूति करने से मेरा संसार का भव का संसार का और भव का अंत आ जा रहा है। ऐसा कौन शुद्धात्मा है, कैसा शुद्धात्मा है कि जिसको जानना चाहिए। भरत महाराज ने भी ऋषभदेव भगवान को यही प्रश्न पूछा, गौतम गणधर ने महावीर भगवान को यही प्रश्न पूछा कि शुद्धात्मा कौन है कि जिसको जानना चाहिए, ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसको जानने से मेरे को मेरा भव का अंत आ जाए, ऐसा शुद्धात्मा कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा है। शिष्य ने प्रश्न भी कैसा पूछा है, सबकी जिज्ञासा यही होती है। तो शिविर में जो यहां आते हैं उसका तो प्रश्न यही होता है ना कि मेरे को शुद्धात्मा को जानना है, कोई बाह्यक संयोगसम बढ़ाने के लिए थोड़ी यहां आता है। कोई भी माने कि कोई भी वक्ता का स्वाध्याय चले तो वो शुद्धात्मा पे ले जाने के लिए ही होता है। देखो पूज्य गुरुदेव श्री की दो प्रकार की शैली हमेशा चलती थी 45 सालों में। कोई भी गाथा होवे, कोई भी प्रवचन होवे, आप देख लेना, चाहे वो ग्रंथ चरणानुयोग का हो, चाहे द्रव्यानुयोग का हो, चाहे कर्णानुयोग का हो, कोई भी ग्रंथ होवे, पूज्य गुरुदेव श्री की शैली ये चलती थी कि श्रद्धा का विषय की माने की मुख्यता ही रहती थी। कोई भी ग्रंथ का प्रवचन चलता हो, और दूसरी शैली पूज्य गुरुदेव श्री की ये थी कि सभी पर्यायों का ज्ञान कराते जाते थे। वो पर्यायों का निषेध करे, पर्यायों का ज्ञान कराते जावे, श्रद्धा का विषय की दृष्टि कैसे हुए वो दृष्टि का विषय बताते जावे, और उस पर दृष्टि कैसे पड़े, ज्ञान का परिणमन कैसे हो जाए, ज्ञान में पर्यायों का यथार्थ ज्ञान कैसे हो जाए, ये सब बातें पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आती है। माने कि पर्यायों का ज्ञान कराते रहते हैं, शुद्धात्मा को बतलाते रहते हैं। ये शैली है पूज्य गुरुदेव श्री की। दृष्टि का विषय की मुख्यता हमेशा रहती है। पूज्य गुरुदेव श्री की माने कि 45 साल की ये परिक्रमा जो चली उसमें आप देख लो, दृष्टि का विषय माने कि नियम से मुख्यता तो अपन बोलते हैं, सर्वस्वता से कहते थे वो दृष्टि का विषय। जैसे दृष्टि का विषय की गाथा आ जाए तो माने कि उसको ऐसी मस्ती चढ़े, ऐसी मस्ती चढ़े, अहम एको खलु सुदो, जो दोपहर को चली थी ना 38 गाथा, अभी जब 38वीं गाथा आती थी समय सार परमागम की, तो पूज्य गुरुदेव श्री तो बस यही धुन चढ़े उसको, अहम एको खलु सुदो, अहम एको खलु सुदो, पूरे दिन में कोई भी मिले न तो भी यही उसको वर्ड सुनने को मिले, अहम एको खलु सुदो, अहम एको खलु सुदो, हूं एक सुध सदा रूपी, हूं एक सुध सदा रूपी, हूं एक सुध सदा रूपी, यही बात उसकी चलती रहे, उसकी चलती रहे, उसकी चलती रहे, क्योंकि वो शुद्धात्मा ऐसा है, उसको उसने ग्रहण कर लिया है। और वो बोलते हैं कि आपको भी ऐसे ही ग्रहण होगा, इसलिए आप उसकी ध्रुव की धुन लगाओ, ध्रुव की धुन लगेगी तो ध्रुव के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, अपरिणामी तत्व के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं, ज्ञायक भाव के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं, भूतार्थ स्वभाव के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, परिपूर्ण तत्व के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, अपूर्णता होने पर भी, अपूर्णता ज्ञान में जानने में आती होने पर भी उसकी मुख्यता दृष्टि के विषय पर चली जाती है। अपूर्णता है उसका ज्ञान रहता है, बोराग्रेस चलता है उसका ज्ञान रहता है। कोई मिथ्या दृष्टि गुरुदेव का शिष्य ऐसा मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं,
वो ऐसा मान लेता है कि मेरी पर्याय में अभी मोहरा द्वेष का परिणाम नहीं चल रहा है, ऐसा कोई मानता है? तो वो तो बात प्रचलित है भैया, वो तो है ही, अनादि से चल रहा है वो तो। अभी तूने जो बात नहीं सुनी है, तेरे लिए जो बात तेरी दृष्टि में नहीं आई है, तुझे तूने सुनी नहीं है, आचार्य भगवान कहते हैं हम तुझे वो कहना चाहते हैं। तूने जो सुनी है वो तो तुझे मालूम है, परिणाम की चर्चा तुझे पता है भाई, फिर भी परिणाम का ज्ञान भी होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, मगर मुख्यतः द्रव्य की होती है, द्रव्य दृष्टि की होती है। ऐसी ये छठवीं गाथा बहुत अलौकिक गाथा है, बहुत प्रयोजनभूत गाथा है। उसमें जो विनायक भाव की चर्चा की है, पांच गाथा तक आचार्य भगवान ने कहीं नाम नहीं लिखा सुदात्मा का, छठवीं गाथा में नाम लिखा। तुझे गुरुदेव श्री बोलते ये तो छठी का लेख है, छह दिन में बालक का नाम पड़ता है ना, मान्यता कोई कोई की। तो ऐसे ये ज्ञायक भाव छठी गाथा में ज्ञायक भाव नाम आया कि मैं कौन हूं, को असो सुदात्मा इति चेत, ऐसा सुदात्मा कौन है कि उसको जानना चाहिए, उसको जानने से मेरा भवभ्रमण चला जावे, उसको जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्रगटता हो जावे, और प्रगटता होवे ओ उस समय भी प्रमत्त और अप्रमत्त दशा है वो मेरे में नहीं है, ऐसा मैं ज्ञायक भाव हूं, ऐसा परिपूर्ण तत्व है। जो अपूर्णता जिसमें है ना, वो परिपूर्ण तत्व को देखता है, परिपूर्ण तत्व है उसमें तो अपूर्णता है ही नहीं, उसमें तो अपूर्णता है ही नहीं, उसमें नई प्रकट होने वाली पूर्णता भी नहीं है, ऐसा मैं परिपूर्ण तत्व हूं, ऐसे मैं चैतन्य स्वभाव हूं, ऐसा मैं ज्ञायक भाव हूं, ऐसा मैं सुधात्मा हूं। प्रमत अप्रमत दशा होती है, गुणस्थान की पर्याय होती है, इसीलिए तो यहां लिखा है कि ज्ञायक भाव में अप्रमत और प्रमत दशा नहीं है, इसलिए ज्ञायक भाव में नहीं है, अप्रमत प्रमत दशा है ऐसा भी स्वीकार किया आचार्य भगवान ने, ज्ञायक भाव में नहीं ऐसा कहा है, वो प्रमत अप्रमत दशा अपने में तो है अपने से, वो ज्ञायक से नहीं है, अपने में अपने से है, ऐसा संबोधन करते हैं आचार्य भगवान। अभी गाथा लेंगे अपन, तो अभी भूमिका तैयार हो रही है, गाथा तो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी गाथा है, इतनी प्रयोजनभूत गाथा है, गाथा प्रयोजनभूति होती है आचार्य भगवान की। मगर उसमें दो विभाग क्यों बताते हैं कि जितनी माने की व्यवहार की भी बात हो उसको असत्यार्थ कह के उसको अप्रयोजन भूत निषेध करने के लिए कही जाती है, और माने की स्वभाव की बात है उसको आदर करने के लिए आश्रय करने के लिए प्रयोजन भूत कही जाती है। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत का ये अर्थ है, कोई बात निषेध करने के लिए होती है और कोई बात आदर करने के लिए होती है। वो लगा लेना वहां, ग्यारहवीं गाथा में लिखा है कि व्यवहार सगड़ाय अभूतार्थ है, सगड़ाय व्यवहार लिखा है, चारों प्रकार के व्यवहार, असद्भुत के दो और सद्भुत के दो, चारों प्रकार के, दो राग के दो ज्ञान के, चारों प्रकार के व्यवहार को अभूतार्थ कहा है। तो निषेध कर दिया व्यवहार का वहां पे, क्यों निषेध कर दिया कि भूतार्थ स्वभाव ही तो परमात्मा है, चैतन्य स्वभाव ही तू परमात्मा है, तू ज्ञायक भाव है, तू अपरिणामी तत्व है, तू ध्रुव तत्व है, तू ध्रुव धाम है, तू ज्ञानात्मक तत्व है, तू दर्शन भूत तत्व है, ऐसा तू अतीन्द्रिय महापदार्थ है, इसलिए तू अचल और निरालंबी है। प्रवचन सार में आया 192 गाथा में ऐसा पदार्थ बता रहे, छठवीं गाथा में ऐसा जीव तत्व बता रहे हैं। वो दोपहर को बोल रहे थे रजनी भाई कि परिणाम की अस्थि,
और मेरे में नास्ती, ऐसी मेरी अस्थि, उसका अनुभव, उसका नाम मस्ती। आदरणीय लालचंद भाई फरमाते रहते थे, परिणाम नहीं है ऐसा नहीं है, परिणाम है परिणाम में है, मेरे में नहीं है। सोगानी जी ने बोला है, परिणाम को परिणाम में रहने दो, मैं तो अपरिणामी हूं, परिणाम को परिणाम में रहने दो, परिणाम को द्रव्य में मत डालो और द्रव्य को परिणाम में मत डालो। दोनों की सत्ता पृथक पृथक अपने अपने से है, दोनों भाव न्यारे न्यारे रहते हैं, एक अपरिणामी तत्व है एक परिणाम तत्व है, एक अभेद तत्व है एक भेद है, अखंड है एक खंड है, एक में उत्पाद भी है एक ध्रुव है, ऐसी दोनों की भिन्न भिन्न सत्ता है। एक अविनाशी तत्व है एक नाशवान तत्व है, एक कायमी तत्व है एक प्रति समय पलटने वाला तत्व है, ऐसी सत्ता यहां सिद्ध कर रहे हैं। तो दोनों सत्ता अपने अपने में अपने अपने से है, ऐसा ये छठी गाथा बता रही है। उसमें तू क्या है, वो असो सुदात्मा इति चेत, ऐसा सुदात्मा कौन है कि उसको जानना चाहिए, ऐसा सुदात्मा का स्वरूप क्या है, वो यहाँ छठी गाथा में बता रहे हैं। वो आचार्य भगवान ने इसमें श्रद्धा का विषय और ज्ञान का विषय दोनों विषय यहाँ एक ही गाथा में कर दिया है। पहले पैराग्राफ में श्रद्धा का विषय दिया है कि श्रद्धा का विषय कैसा है, तेरी श्रद्धा कैसे सम्यक हो जाए, ऐसा पहले पैराग्राफ में श्रद्धा का विषय दिया है। और दूसरे पैराग्राफ में पूरी ज्ञान का परिणमन की और ज्ञान का स्वभाव की चर्चा आई है। ये दो पैराग्राफ की एक गाथा है और ये छठी गाथा में पहला पैराग्राफ माने त्रिकाली द्रव्य का, दृष्टि का, विषय का और श्रद्धा का परिणमन कैसे हो ऐसा है, और दूसरा पैराग्राफ में ज्ञाकार अवस्था का, ज्ञानाकार अवस्था का, ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से कैसे ज्ञात हो जाता है ज्ञायक, वो उसमें अशुद्धता क्यों नहीं आती है, स्वरूप प्रकाशन में कर्ता कर्म का अनन्यपना कैसे होता है, वो सब चर्चा है दूसरे पैराग्राफ में करी हुई है। मगर जिसको पहला पैराग्राफ समझ में आ जाता है उसको स्वयं ज्ञान का परिणमन उसी रूप से हो जाता है। तो इसमें मुख्यतः माने कि श्रद्धा का विषय श्रद्धेय की है, श्रद्धा का विषय जब तक श्रद्धेय ज्ञायक भाव नहीं बनता, जब तक परिपूर्ण तत्व उसकी श्रद्धा में नहीं आता, उसका ख्याल में नहीं आता, उसका अभिप्राय में नहीं आता, तब तक उसकी परिणाम में से एकत्व बुद्धि छूटती ही नहीं। इसलिए यहाँ ये छठी गाथा जो अपना विषय है, अपन गाथा पहले बोलते हैं, अपन गाथा शुरू करते हैं छठी गाथा। रवि हो दी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दूजो भाओ एवं भरन्ति सूत्रं नादो जो सो सोचेव नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं है एक जायक गाथा का अर्थ है। ऊपर जो उसका प्रश्न किया गया है, अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा सुदात्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। एक तो सुदात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, माने कि अनुभूति करनी चाहिए। दो बात यहाँ आई है, आत्मा का स्वभाव क्या और आत्मा की अनुभूति कैसे हो गए, ये दो ही बात समझने जैसी है।
क्योंकि ये दो ही बात से अपनी कार्य सिद्धि भी होती है और कारण परमात्मा भी अपनी दृष्टि में आ जाता है। इसलिए यहाँ जो प्रश्न आया है कि अब यहाँ प्रश्न उठता है कि शुद्धात्मा कौन है, माने कि शुद्धात्मा कैसा है, शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है, शुद्धात्मा की अस्थि कैसी होती है, शुद्धात्मा का स्वभाव कैसा होता है, शुद्धात्मा का लक्षण कैसा होता है, शुद्धात्मा की स्थिति क्या होती है, शुद्धात्मा माने बाद में ये शुद्धात्मा समझ के वो शुद्धात्मा लक्ष्य में कैसे आ गए। दो बात है, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा विकल्प का काम नहीं है, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। शुद्धात्मा तो है ही, ज्ञायक भाव तो है ही, परम परिणामी भाव लक्षण वाला नायक भाव तो है ही, मात्र उसका अस्तित्व से कोई फायदा नहीं है। अस्तित्व तो निगोद में भी है, अभवी के पास भी है, उसका अस्तित्व से क्या फायदा है, उसका अस्तित्व लक्ष्य में आना चाहिए, उसका अस्तित्व की पहचान होनी चाहिए, उसका अस्तित्व स्वसंवेदन से जानने में आना चाहिए, उसकी प्रतीति होनी चाहिए, उसकी लीनता होनी चाहिए, वो स्वभाव में अपना प्ररूपण होना चाहिए, स्थापना स्वभाव की अपनी पर्याय में होनी चाहिए, तब कहा जाता है कि ये आत्मा शुद्ध है। ऐसी दो बात यहां कहना चाहते हैं ये गाथा में। ये गाथा मात्र शुद्धात्मा बताने की नहीं है, शुद्धात्मा बताने की तो है ही, मगर उसकी अनुभूति भी कैसे होवे ये भी इसमें बताया गया है। क्योंकि द्रोही प्रकरण एक साथ चलते रहते हैं, जिसको शुद्धात्मा जानने में आता है, जिसको शुद्धात्मा हूं ऐसा ख्याल आया, तो ख्याल आया उसी को तो अनुभूति बोला जाता है भाई, तो अनुभूति के बिना तो शुद्धात्मा नहीं होता और शुद्धात्मा के बिना अनुभूति नहीं होती। इसलिए दो ही बात यहां कहना चाहते हैं कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। देखो ये दोनों बात आचार्य भगवान ने यहां इसलिए कही है कि कोई भी अज्ञानी अनादि का जीव हो, ये गाथा सुन के उसको अनुभूति हो जाए। चारों प्रकार के व्यवहार जो आए हैं, माने कि पंचाध्याय में आए हैं, वो ग्यारहवीं गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने अध्यात्म के चार व्यवहार माने कि निकाले हैं उसमें से, उसमें तीन प्रकार का व्यवहार तो इसमें छठवीं गाथा में है और सातवीं गाथा में माने कि एक व्यवहार सद्बुद अनुपचरित वहाँ है, असद्बुद दोनों यहाँ है और सद्बुद उपचरित भी इसमें है। तीनों प्रकार का व्यवहार का निषेध ये छठी गाथा में कहा किया गया है और बाद में पर्याय भेद का निषेध करके जिसको आत्मा की दृष्टि हो जाती है उसको गुणभेद के विकल्प खड़े होते हैं, तो वो गुणभेद का निषेध सातवीं गाथा में किया है। ऐसी कोई ये महत्वपूर्ण गाथा है, बहुत चर्चा गंभीर है, समझने लायक है, कुछ गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्टीकरण इसमें किया है। देखो अभी पूज्य गुरुदेव श्री का सब प्रवचन बाहर निकलने लगा है, समय सार का 15वीं बार का भी चालू हो गया, 18वीं बार का हो गया, 19वीं बार का पूरा हो गया, 16वीं बार का भी चल रहा है पार्ला मंदिर से, तो नियमित रूप से सब उपलब्धि है अपने पास, समझो नियमित रूप से उपलब्धि सब है, परमागम है, आचार्य भगवान के आगम है, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी है, नई समझ में आवे ऐसा कुछ नहीं है, निमित्त रूप से सब है, उपादान में पुरुषार्थ चलना चाहिए, बस यही काम करना है अपने को। ये बहु में उपादान में पुरुषार्थ चले और योग्यता कैसे मेरी पक जाए। निमित्त पर दोषारोपण जीव देता रहता था वो निकल गया अभी, क्योंकि निमित्त रूप से सब उपलब्धि है, कुछ भी प्रश्न है तो पूज्य गुरुदेव श्री का समाधान है अपने पास है? ये पुरुष का समाधान ऐसा होता है पूज्य गुरुदेव श्री का कि आप सर्वज्ञ का समाधान सुन लो। पूज्य गुरुदेव श्री का शब्द निकला तो समझो कि सर्वज्ञ का शब्द है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की वाणी साक्षात उनने भी सुनी है।
कुंकुट आचार्य ने जैसे वहां जाके जो भी पंच परमागम यहां आके रचना की, जो भी वहां से श्रुत लाए, गुरुदेव भी वहां उसकी हाजिरी उस समय वहां थी। और जब कुंकुट आचार्य वहां गए थे तब पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि हम भी वहां हाथी के होदे पे बैठकर वहां वाणी सुनने के लिए समोसर में जाते रहते थे। दिव्य ध्वनि तीन बार तो हमेशा छुट्टी रहती है श्रीमंदिर परमात्मा की, और कोई विशेष योग हो तो चार बार भी खिलती है। ऐसा कोई स्वभाव की माने की ऊर्ध्वता वहां से सुन के पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ आए, और यहाँ आके उसने स्वसंवेदन से अपने आत्मा का प्रमाण कर लिया। जो समयसार हाथ में आया तो उसको ऐसा लगा कि ये तो कुछ पहचानी हुई बात है, ये तो सुनी हुई चर्चा है, ऐसा प्रमाण उसको होने लगा अंदर से। और समझ लो कि बहुत अल्प काल में उसको अनुभूति हो गई। ऐसी कोई ये समयसार परमागम में बहुत सी बातें ऐसी भरी है, यानी कि निमित्त रूप से कोई कमी नहीं है। अपनी उपादान की जागृति कैसे हो ये तो सबकी अपनी अपनी योग्यता और अपना अपना पुरुषार्थ है। श्री गुरु भी श्री गुरु को बहुत ऐसा हो कि मेरा शिष्य अभिन्न अभी सम्यक दृष्टि हो जाए, मगर वो उसको कुछ दे नहीं सकते, देने लेने का कोई व्यवहार नहीं है। वो रास्ता बताते हैं, रास्ते पे चलना अपना काम है। ऐसी कोई ये बहुत अलौकिक प्रयोजनभूत छठवीं गाथा है। अभी अपना समय समाप्त होने को आया है, अभी कल से अपन इसका पूरा प्रकरण छठवीं गाथा का शुरू करेंगे। इसी ये छठी गाथा का पूज्य गुरुदेव जी ने जो कहा है ऐसा भाव समझकर सभी भव्य जी मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल बात। यहाँ आत्मा का ज्ञान भाव हमें ज्ञानी इसका नामक मेरी एक गाथा से हुई, और पूरा विषय ज्ञान